एबीपी न्यूज़ के दोपहर के खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। चंद्रशेखर बावनकुले ने साधा राज्य सरकार पर निशाना। रास्तों के बिजली काटे जाने के मुद्दे पर ग्राम विकास विभाग का बजट बढ़ाने की मांग। नागपुर में संविधान उद्देश्य स्तंभ का किया गया उद्घाटन। नितिन राउत की मौजूदगी में हुआ समर्पण समारोह। और बुल्ढाणा में शिवराज्याभिषेक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शिव प्रतिमा का पूजन कर उभारी गई स्वराज्य गुड़ी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में हुई पत्रकार वार्ता में चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्रकारों से विविध मुद्दों पर बात की। महाराष्ट्र की संपूर्ण ग्राम पंचायत में रास्तों की बिजली काटना, बिल न भरने की वजह से रास्तों के लाइट्स बंद करने का काम बिजली विभाग ने शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि रास्तों के लाइट्स के बिल भरने की जिम्मेदारी सरकार की है। पिछले 30 सालों से सरकार बिल भरते आई है। पिछले 2.5 साल से ग्राम विकास विभाग ने ऊर्जा विभाग को पैसे न देने की वजह से रास्तों के लाइट्स बंद किए जा रहे हैं कि हम विरोधी पक्ष होकर अजित पवार और नितिन राउत को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन ग्राम विकास विभाग का बजट 8,000 करोड़ रुपयों का किया जाए और रास्तों के लाइट्स का बिजली बिल भरा जाए। चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा, इस सरकार ने जलापूर्ति बिजली बिल कनेक्शन खंडित की है। राज्य सरकार का ग्राम विकास विभाग हर साल 3,000 करोड़ रुपए के बजट देकर जिला परिषद के माध्यम से बिल भरने के लिए सरकार अनुदान देती है, लेकिन पिछले 2.5 साल में 8,000 करोड़ रुपए के ऊपर ग्राम विकास योजना के पैसे रोकने की वजह से वह पैसे जिला परिषद तक नहीं आए, जिसके परिणाम स्वरूप रास्तों के लाइट्स बंद किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन राज्य सरकार अपनी हुकुमशाही के चलते सभी गांवों को अंधेरे में धकेल रही है। इसलिए बावनकुले ने अजित पवार और नितिन राउत से मांग की है कि बजट 8,000 करोड़ तक बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द बिजली बिल भरा जाए। जलापूर्ति के विषय पर पूछने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी की नल योजना तक बंद करवा दी। इस सरकार को आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया तो महाराष्ट्र में आक्रोश बढ़ेगा और सभी सरपंच आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्रातल्या अनेक ग्राम पंचायती रस्त्यावरच्या लाईटचे आणि पाणी पुरवठा योजनेचे कनेक्शन या सरकारने खंडित केले। राज्य सरकारचं ग्राम विकास विभाग हे प्रत्येक वर्षी 3,000 कोटी रुपये बजेट करतं आणि तो पैसा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून स्ट्रीट लाईटचे पैसे भरण्याकरता सरकार अनुदान देतं। पण मागच्या 2.5 वर्षामध्ये या सरकारने 8,000 कोटी रुपयाच्या वर ग्राम विकास विभागाचे पैसे थकवल्यामुळं, 8,000 कोटी रुपये ग्राम विकास विभागाने बजेट न केल्यामुळं, ते महाराष्ट्राच्या जिल्हा परिषदेला न आल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्राच्या ग्रामपंचायतीवर थकबाकी झालेली आहे। ही जबाबदारी राज्य सरकारची असताना राज्य सरकार हुकुमशाही पद्धतीनं ग्रामपंचायतच्या रस्त्यावरचे लाईट बंद करून संपूर्ण महाराष्ट्र अंधारात आणताय आणि त्यामुळं माझी मागणी आहे, माननीय अजित पवारजी, माननीय नितीन राऊतजी, तुम्ही दोघांनी जुलैच्या अधिवेशनामध्ये 8,000 कोटी बजेट करा ग्राम विकास विभागाकडे आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व ग्रामपंचायतच्या रस्त्यावरच्या लाईटचे पैसे सरकारने भरावे जे मागच्या 30 वर्षापासून सरकार भरत आला आहे। या सरकारने ग्रामपंचायतला भेटी धरू नये। या राज्यातले सरपंच अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये आहेत, त्यांनी अत्यंत त्यांचा स्ट्रीट लाईट रस्त्यावरचे बंद असल्यामुळं गावाच्या गाव अंधारात आहे, त्यामुळं सरकारने तातडीनं 8,000 कोटीचं बजेट करून जुलैच्या अधिवेशनात मात्र बजेट केलं पाहिजे आणि हे ग्राम विकास विभागाने वीज विभागाला दिलं पाहिजे। खऱ्या अर्थाने ऊर्जामंत्र्यांची जबाबदारी आहे, अजित पवारांचीही जबाबदारी आहे, पण दोघांनाही आपसामध्ये बसून हा प्रश्न सोडला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। या सरकारचं गेंड्याचं कातडीचं सरकार आहे, सरकारला किती आंदोलन केलं तर फरक पडत नाही। सरपंच वनवन फिरतायत, त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या नळोजा कापल्या, रस्त्यावरचे लाईट कापले। आज आम्ही सरकारला विधानमंडळात मदत करायला तयार आहे, सरकारला समर्थन द्यायला तयार आहे। महाराष्ट्रातल्या सर्व ग्रामपंचायतीचे विजेचे बिल भरण्याकरता 8,000 कोटी रुपयाचं बजेट
जुलैच्या अधिवेशनामध्ये माननीय अजित पवार आणि नितीन राऊत यांनी आणावं, आम्ही त्याला त्या बजेटला समर्थन द्यायला तयार आहे. या सरकारने बजेट केल्याशिवाय, ग्रामविकास विभागाला पैसे दिल्याशिवाय हे पैसे भरू शकत नाही. ग्रामपंचायतची जबाबदारीच नाही, ग्रामपंचायतचे लाईटच नाही आहे, हे रस्त्यावरचे लाईटची जबाबदारी सरकारची आहे. आणि त्यामुळं सरकारने हे केलं नाही तर निश्चितपणे महाराष्ट्रात आक्रोश वाढेल आणि स्वतः ग्रामपंचायतचे सरपंच आंदोलन करेल, ही स्थिती निर्माण झाली आहे. NTPC मौदा में 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया. इस अवसर पर पर्यावरण प्रबंधन समूह द्वारा एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व श्री AK मनोहर परियोजना प्रमुख द्वारा किया गया. श्री मनोहर ने सभी उपस्थित कर्मचारियों को शपथ दिलवाई, जिसमें सबने प्रतिज्ञा दी कि वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहेंगे और धरती माँ को बचाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे. NTPC मौदा में हुए विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन में श्री मनोहर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि NTPC मौदा पर्यावरण की बेहतरी और बचाव के ओर कदम बढ़ाता रहेगा और इसी तरह आगे भी अपने आसपास के गांव के हित में कार्य करते रहेगा. विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम ओनली ऑन अर्थ पर आधारित कर्मचारियों उनके परिवार के सदस्यों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसके माध्यम से सभी में पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भावना उत्पन्न हो और उनमें जागरूकता बढ़े. इस अवसर पर सभी उपस्थित उत्कर्ष नगर रहवासियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया और कर्मचारियों को पौधे वितरित भी किए. इस अवसर पर NTPC के उच्च अधिकारीगण, महिलाएं, बच्चे और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान भी उपस्थित थे, जिन्होंने प्रभात फेरी में उत्साहपूर्वक भाग लिया. VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट. कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता कुछ मांगों के चलते MSEB के कार्यालय पहुंचे थे. उसमें से एक मांग ये भी थी कि परिसर में आने वाली परेशानियों को सुलझाने का प्रयत्न जल्द से जल्द किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर नागपुर के आमदार और उत्तर नागपुर के ही ऊर्जा मंत्री होकर भी उत्तर नागपुर में ही अविकसित परिसर है. उत्तर नागपुर परिसर में अव्यवस्थित गटर लाइन, गड्ढों से भरे रास्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स की कमी ऐसी दुर्दशा है. अगर कोई इमरजेंसी आती है तो एम्बुलेंस जाने के लिए भी रास्ते नहीं है. ऐसी परिस्थिति उत्तर नागपुर के कुछ प्रभागों में देखने को मिल रही है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर ऊर्जा मंत्री के आज होने वाले निवेदन से इन बातों का हल नहीं निकाला गया तो इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से कठोरता से नियोजन किया जाएगा. उत्तर नागपुर विधानसभा मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विभाग अध्यक्ष उत्तर नागपूर उमेश बोरकर, माननीय ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत साहेब हे या उत्तर नागपूरचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे ऊर्जा मंत्री, तसेच नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीसुद्धा आहेत. पण यांच्या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये जिथून हे निवडून येतात तिथे इलेक्ट्रिकच्या समस्येपासून तर रोड चेंबर नाले एवढ्या समस्या आहेत, त्या सर्व समस्याचे निवेदन घेऊन आज आम्ही यांच्याकडे आलेलो आहे. सर्व उत्तर नागपूरच्या प्रभागातर्फे इथे आम्ही निवेदन द्यायला आलेलो आहे. समतानगरची परिस्थिती, आता पावसाळा यायच्या अगोदर यांनी तिथे विकास कामे करायला पाहिजे होते, त्यांनी एकही विकास काम केलेलं नाही आणि केलेले आहेत ते अपूर्ण केलेले आहेत. लोकांच्या घरी पाणी जाते, लोकांना जाल रस्ता नाही, तिथं गटर लाईन नाही, ह्या सर्व समस्यावर आज प्रभाग 2चे नागरिक, प्रभाग 4चे नागरिक सर्व आलेले आहेत. 4 दिवसापूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या एका आमच्या उत्तर नागपूर सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी MSEBच्या कार्यालयामध्ये एक धडक दिली होती का, तुम्ही 4 दिवसात या परिसरात ज्या काही समस्या असेल त्या सोडवण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न करा, असं काहीच दिसत नाही. कारण की उत्तर नागपुराचे आमदार आणि उत्तर नागपूरचेच ऊर्जामंत्री असूनसुद्धा उत्तर नागपुरात मोठ्या प्रमाणात अविकसित परिसर आहे. कारण की इथं गटर नाही, रोड नाही, इलेक्ट्रिक पोल नाही, अशा परिसरामध्ये इमर्जन्सी काही रुग्णाची केसेस झाल्या तर तिथं ॲम्ब्युलन्स जाण्याचाही रस्ता नाही आहे. अशी परिस्थिती उत्तर नागपूरच्या काही प्रभागामध्ये आहे. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट. नागपुर में अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया गया. अशोक स्तंभ और भिक्षु निवास उद्घाटन भदंत नागार्जुन सुरेश ससई ने किया था. ऊर्जा राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के संरक्षक मंत्री माननीय डॉक्टर नितिन राउत प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद थे. इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ भाग्यश्री ढोंगे की रिपोर्ट. धुले शहर के एक चित्रकार राजेश वैद्य ने लकड़ी की फ्रेम पर नक्काशी करके हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने का प्रयत्न किया है. राजेश वैद्य पिछले 1.5 महीने से ये काम कर रहे हैं और वो लकड़ी की फ्रेम पर नकाशी करके छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को मनाने वाले उत्तरी महाराष्ट्र के पहले चित्रकार हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस 6 जून का मनाया जाता है.
इस पृष्ठभूमि में धूले के एक चित्रकार राजेश वैद्य ने लकड़ी के फ्रेम पर नक्काशी करके छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के उस प्रसंग को पुनः जीवित करने की कोशिश की है। आप शिवराज्याभिषेक की कई पेंटिंग देख सकते हैं, लेकिन राजेश वैद्य ने पेंटिंग से परे जाकर कुछ नया करने की कोशिश की और उन्होंने 36 मिलीमीटर MDF लकड़ी के फ्रेम पर शिवराज्याभिषेक साकारने का फैसला किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ और छत्रपति संभाजी महाराज का भी समावेश है। पेंटिंग का कार्य अपने अंतिम चरण में है। चित्रकार राजेश वैद्य ने इसे जीवंत करने के लिए 3D इफेक्ट देने की कोशिश की है। राजेश वैद्य धुळे येथील चित्रकार, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरती काहीतरी करावं चित्रकलेच्या दृष्टिकोनातून हा विचार आतापर्यंत बरेच चित्र त्याच्यावर महाराजांनी काढलेले आहेत, वेगवेगळ्या आर्टिस्टने, मी सुद्धा काढलेले आहेत, परंतु भव्य आणि दिव्य म्हणण्यापेक्षा काहीतरी वेगळं करावं हा विचार मी केला आणि लाकडात 3x6 फुटाच्या MDF लाकडात जी 36 mm ची जी डेप्थ आहे त्या लाकडात मी 27 mm हा महाराजांचं पूर्ण राज्याभिषेक कोरलेला आहे। कोरल्यानंतर त्याला पेंटिंग सुरू केली आणि ती पेंटिंग आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावरती, काही दिवसात ते पूर्ण होईल आणि ही सगळ्या लोकांना प्रेरणा मिळावी त्या चित्रापासून आणि ज्यांना कोणाला हे पाहिजे असेल वेगवेगळ्या संस्थेमध्ये म्हणा किंवा कुठल्या घरामध्ये लावण्याकरता अतिशय कमी खर्चात आपण त्यांना ते प्रोव्हाइड करू। जवळपास याचा कोरण्याचाच खर्च 10,000 रुपये आणि पूर्ण पेंटिंगचा खर्च 10,000 आसपास आहे, ते 25,000 आपण ते चित्र पूर्ण जाईल। ज्याला कोणाला हवं असेल अतिशय कमी माफक दरात आपण ते दुसऱ्या देण्याचा प्रयत्न करू। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आपका स्वागत है। वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, सामाजिक वनीकरण, नवेगांव खैरी नर्सरी, पारशिवनी अंतर्गत आकाश जे फाउंडेशन रामटेक द्वारा संचालित है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर नवेगांव खैरी रोप वाटिका में विभिन्न गतिविधियों के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस समय प्रातःकालीन सत्र में कार्यक्रम समन्वयक, भारतीय अभियान के मुख्य समन्वयक एवं साक्षधन कड़बे सहित मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर वृक्षों की पूजा की। इस दौरान पेंच क्षेत्र में जैव विविधता विषय पर वनपाल विजय येरपुड़े, पुलिस पाटिल रक्षण गजबिये, वंदना भुर्रे ने ग्रामीणों व छात्रों से बातचीत की। दोपहर के दूसरे सत्र में देशी वृक्षों के बीजों से बीज संग्रह प्रतियोगिता, प्रकृति चिंतन प्रतियोगिता, प्रकृति चित्रकला प्रतियोगिता और इसी प्रकार बीज बाल उत्पादन गतिविधियों को क्रियान्वित किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि नीलिमा डकरे, वन रेंज अधिकारी, सामाजिक वानिकी पर शिवनी राजेश राठौड़, बाल्टी के रामटिक तालुका के समतादूत एनएम नगराले, वनपाल चारगाव, एसके पठान, यूएस बावने, श्री वाहने, वन रेंज अधिकारी कार्यालय क्षेत्रीय पार्श्ववाणी, आकाश जेप निदेशक वैभवराव तुरक, निदेशक शैलेश वधाई ने मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रतियोगिता में अनेक उत्साही प्रतिभागियों ने सहभाग लिया। विजेताओं को आकाश जेप फाउंडेशन के अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विजय येरपुड़े ने किया, जबकि आकाश जेप के प्रफुल्ल राउत ने हरित सेना के नेचर एम्बेसेडर और अधिकांश दर्शकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए नर्सरी के सुपरवाइजर मनोहर शिंदे, दिनेश ठाकरे, गजानन ढोंगे, वनकर्मी ने कड़ी मेहनत की। महाराष्ट्र सरकार ने परिपत्र जारी किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवराज्य अभिषेक कार्यक्रम 6 जून को राज्य की ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में मनाया जाए। इसी पृष्ठभूमि पर आज बुल्ढाणा के नंदरकोली में सरपंच एवं उप सरपंच द्वारा स्वराज्य गुड़ी की पूजा कर शिवराज्य अभिषेक दिवस मनाया गया। इस समय स्वराज्य ध्वज, शिव प्रतिमा पूजन और महाराष्ट्र गीत व राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर सरपंच, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। आज 6 जून 2022 शिवराज्य अभिषेक दिन म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायत कार्यालय येथे शिवरायांच्या प्रतिमेचं पूजन करून शिव स्वराज्य गुढी उभारण्यात येऊन त्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, सर्व सदस्य व गावातील गावकरी तसेच इतर मंडळी उपस्थित होती। कार्यक्रमाची सुरुवात प्रतिमेचे पूजन व शिवराज्य गुढीचे पूजन करून महाराष्ट्र गीत व राष्ट्रगीताने करून कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आलेली। गणेश नाईक के आंदोलन की सांसद राजन विचारे ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 25 साल नाग की तरह सत्ता में रहने वाले ने सिर्फ भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और आज वो सत्ता में आए फैसले का विरोध कर रहे हैं। नवी मुंबई अच्छे से जानती है कि कौन क्या कर रहा है। राजन विचारे ने कहा कि जल्द ही आपूर्ति के साथ प्रेस वार्ता करेंगे और साजिश का खुलासा करेंगे। या संदर्भामध्ये मी स्वतः प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन कागदपत्र पुराव्यानुसार या गोष्टींचे बोलणार। तुम्ही काय म्हणाल, तोडपाणी कोण करणार आहेत? मला वाटतं अख्ख्या नवी मुंबई शहराला माहिती आहे, ज्यांनी स्वतःची घरं भरण्याशिवाय स्वतःचा मुलगा, स्वतःचा हे घरामध्ये 3-3, 4-4 पदं घेऊन या शहराला साधं एक मैदान देऊ शकले नाही, लाज वाढायला पाहिजे त्यांना। आणि हा ब्रिज 2008 साली हा मंजूर केला होता त्यांनीच। या आज तुम्ही जर बघितलं या व्हाईट हाऊसपासून ते इथे जवळजवळ 2500 झाडं तोडली या लोकांनी, तेव्हा कुठे गेले होते? आणि या शहराच्या विकास तुम्ही तो प्रस्तावच बघितलेला नाही। त्या प्रस्तावामध्ये जी झाडं आहेत, मला वाटतं 394, ही झाडं त्याच्या शिफ्ट करणार आहेत, तोडणार नाहीत। फक्त 6 झाडंच मला वाटतं तोडणार आहेत। म्हणजे अशा पद्धतीने लोकांना गुमराह करण्याचं काम जे गेले 25 वर्ष इथे सत्ताधारी म्हणून इथे बसले होते नागासारखे, आणि त्या लोकांना काही करता आलं नाही। आज महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आदरणीय उद्धव साहेब असतील, आमचे राष्ट्रवादीचे अजित पवार असतील, काँग्रेसचे आमचे सन्माननीय थोरात साहेब असतील, ही सर्व मंडळी आज तुम्ही बघितलं होतं या 2 वर्षाच्या काळामध्ये 2.5 वर्षाचं सरकार झालं, एवढ्या मोठ्या याच्या प्रमाणातसुद्धा एवढी मोठी अतिवृष्टी असेल, कोरोनासारखी मोठी साथ होती, आणि असं असतानासुद्धा आज माननीय मुख्यमंत्री देशातला नंबर 1 मुख्यमंत्री म्हणून काम केल्यानंतर, एवढ्या सर्व संकटांना तोंड दिल्यानंतर आज त्यांना तोंड दाखवायला जागा नाही। आता हे 15 दिवसापूर्वी त्यांचं काय प्रकरण निघालं तुम्हाला माहिती आहे। जो माणूस दुसऱ्याच्या घरामध्ये वाकून बघतो त्यांनी स्वतःचं घर पहिला बघावं किंवा स्वतःच्या आरशाकडे बघावं की आपल्याला आरसा दाखवण्यासारखा चेहऱ्याला लोकांसमोर जाऊ शकतो का नाही, हे पहिलं त्यांनी स्वतःच्या आरशामध्ये बघावं। नागपूर क्राइम ब्रांच ने गुप्त जानकारी के आधार पर स्टाफ की मदद से आरोपी के स्थान पर छापा मारा। आरोपी शेख फारूक को खुद के आर्थिक फायदे के लिए दैनंदिन उपयोगी HP कंपनी के गैस सिलेंडर में से गैस मशीन की सहायता से अपने ऑटो में भरते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी दैनंदिन उपयोगी गैस सिलेंडर जीवनावश्यक वस्तु की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया। पंचनामा के आधार पर कुल 1,16,200 रुपयों का माल भी जब्त किया गया है और गुनाह दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। शहर में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण नागपुर की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत जागतिक पर्यावरण दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई, जिसमें छात्रों ने पर्यावरण बचाव के लिए नारे भी लगाए। सभी छात्रों ने अलग अलग सुविचारों के फलक लेकर इस रैली में उत्साह के साथ सहभाग लिया। इस अवसर पर सभी के मन से पर्यावरण संबंधी प्रेम और जागरूकता के दर्शन हुए। इस रैली के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की अपील भी की गई। तो VKB के दोपहर के खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।